अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं दीबा लीम दीबा की दुनिया में आप लोग का वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ हनी चिली पोटैटो। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं। आलू को अभी बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, थोड़ा ही सा बॉयल करना है। आप इसको पहले मैं धुल लूंगी, धुल करके यूज़ करूंगी। मैंने नया आलू लिया हुआ है क्योंकि ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। मेरे पास ज़्यादा लंबे लंबे आलू नहीं थे तो मैंने छोटे ही लिए हुए। अब इसको बॉयल करेंगे। ये जब तक बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं सॉस तैयार कर लेती हूँ। और इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हाफ ही बॉयल करना है। जब तक ये बॉयल हो रहे हैं मैं सॉस रेडी कर लेती हूँ। अभी देखिए पानी बॉयल हो गया है, हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें हम नमक डालेंगे। अब इस स्टेज में हमें ये पोटैटो डालने हैं। ध्यान दें, इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसका बस स्टार्च निकलने तक पकाना है, 3-4 मिनट तक बस। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए चाहिए सोया सॉस, ग्रीन सॉस और ये टमाटो सॉस। थोड़ा सा सिसेम डालेंगे और ये विनेगर है, ये हनी। हनी चिली पोटैटो बना रहे हैं तो इसके लिए हनी चाहिए। अब इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, हाफ कप पानी। एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसको खूब अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये हमारा सॉस बन के रेडी हो गया है। अभी देखें ये आलू हो चुका है। ये देखें ये ऐसा ही चाहिए था, इतना ही पका हुआ। अभी हम इसमें डालेंगे अभी मैं इसमें नमक और गोल मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मिला लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ चावल का आटा नहीं डालना है क्योंकि चावल का आटा कॉर्नस्टार्च करने में बहुत टाइम लगाता है। उस हिसाब से आप लोग डालिएगा। अब इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसका बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे मैदा। आप चाहें तो इस स्टेज पर आप चावल का आटा ले सकते हैं बैटर बनाने के लिए। और कॉर्नफ्लोर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे।
ऑयल मिला के अब खूब अच्छे से इसको पहले मिला लेंगे, इससे आलू बहुत क्रिस्पी होगा। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब पानी ध्यान से डालेंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो अब हम पोटैटो को फ्राई कर लेते हैं, जो कि हमने पहले से ये करके रखा हुआ है। देखिए फ्राई हो चुका है, कोई बात नहीं, ये चिपक गया है, लेकिन फिर इसको मैं अलग कर लूंगी। इतने ही चाहिए मुझे कलर, अभी जब नेक्स्ट टाइम फ्राई करेंगे तब थोड़ा इसमें डार्क कलर आएगा। अभी इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। अभी इसको डबल फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। नहीं कलर चाहिए तो मैं इसे डिशॉर्ट करती हूँ, निकालती हूँ। ये देखिए आप कितने क्रिस्पी बने, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने। अभी ये सारा मैंने लिया हुआ है, शिमला मिर्च, प्याज, हरा प्याज, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली। इसको बनाने के लिए आप लोग को सारा सामान रखना पड़ेगा फौरन, क्योंकि इसको हाई फ्लेम पे बनाना है, और इसको जल्दी बनाना है हाई फ्लेम पे, वरना ये मुलायम हो जाता है। अभी ये सब डालना है, इसको ज्यादा पकाना नहीं है, इसके लिए सब एक साथ डाल दें। हमें इतना ही पकाना है, और अब जो मैंने सॉस बना के रखा हुआ था वो सॉस डालेंगे इसमें। मेक श्योर कि फ्लेम हाई रहे, स्लो पे नहीं करना है। नमक डालेंगे, सेम डालेगी, अब ये गाढ़ा हो रहा है तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जब इसकी भाप निकल जाए थोड़ी, तब इसके बाद हम इसमें पोटैटो डालेंगे। तो ऐसा करने से पोटैटो देर तक क्रिस्पी रहता है। देखिए कितना क्रिस्पी है। भाप निकलने बाद ही डालेंगे तो ये ज्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगा। इस स्टेज पे अब हनी डालेंगे। मैं थोड़ा ही सा डाल लूं, क्योंकि मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा डाल लेंगे। अब इसको मिला लेंगे। ऊपर से हरा प्याज डालेंगे। अब देखिए हमारा हनी चिली पोटैटो बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी रेसिपी आपको रोज रोज मिले।